हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय की तरफ से यानी कि एमबीएस की तरफ से न्यू वैकेंसी 2024 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। दोस्तों, गुड न्यूज निकल रही है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें जो टोटल पोस्ट निकली है, कई तरीके की इसमें पोस्ट निकली है, जैसे आपकी जेएससी की पोस्ट होगी, एमटीएस हो गया, एएसओ हो गया, स्टेनो हो गया, जेटी हो गया, और असिस्टेंट हो गया, फीमेल नर्स स्टाफ हो गया, लीगल असिस्टेंट हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कैटरिंग सुपरवाइजर हो गया, मैस हेल्पर हो गया, लैब अटेंडेंट और ईसीपी यानी इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया है और मैं खुद एज अ जेएसए वर्क कर चुका हूँ इन नवोदय विद्यालय में, तो आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि इस वैकेंसी को आप किस तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, 2019 में मैंने ये एग्जाम क्रैक किया था और किस तरीके से एग्जाम आता है, प्रीवियस ईयर का पेपर क्या था, इसका वर्क प्रोफाइल क्या होता है, किस तरीके से आपको काम करना होता है, डेली रूटीन्स क्या होता है, क्या आपको फैसिलिटीज मिलती है, सैलरी क्या मिलती है, सारा कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसकी जो मैं तैयारी कराऊंगा आपको, वो मेरा जो सेकंड चैनल है जिसका नाम है दी एग्जाम हेल्पर जीके, इस पर कराऊंगा। यहाँ पर आपको मैं कंप्यूटर और जीके जीएस की तैयारी कराने वाला हूँ, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे ऑफिस का एक छोटा सा वीडियो है। ठीक है, जेएसए ऑफिसर टू मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, जो जब मैं एनबीएस था तब, है ना, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, चैनल पर जाकर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम दिए। ठीक है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले एनबीएस से कोई भी रिलेटेड अपडेट होगी, मैं आपको तुरंत, जैसे ही कोई भी नया अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत देते हुए जाऊंगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैंने इसका जो नोटिफिकेशन है टेलीग्राम पर डाल दिया। और एज करंट में मैं इन इंडियन रेलवे में एज अ सीनियर क्लर्क पोस्टेड हूँ। ठीक है, चलिए तो हम पूरा नोटिफिकेशन इसका देख लेते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन में निकल कर आ रहा है। ओके, चलिए तो देखिए दोस्तों, ये है इसका पूरा नोटिफिकेशन, यहाँ से आपको देख सकता है। ठीक है, नवोदय विद्यालय समिति रिक्रूटमेंट ट्रैक 2024 नॉन टीचिंग पोस्ट आउट। ठीक है, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ इतनी सारी पोस्ट जो मैंने आपको बताई थी, फीमेल नर्स स्टाफ, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, ऑडिट असिस्टेंट हो गया, लीगल असिस्टेंट हो गया, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, कैटरिंग सुपरवाइजर हो गया, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जे एस ए जो सबसे मेन पोस्ट है इसके अंदर वो है जे एस ए। ठीक है, तो इसकी भी यहाँ पर भर्ती निकलकर, इसके अलावा इसमें जो जेएसए की पोस्ट है वो हेडक्वार्टर आरओ कैडर में है, और दो एक जो जेएसए की पोस्ट है आपकी जेएनवीएन की, जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर है। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की पोस्ट है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, मैस हेल्पर की है, मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस की भी पोस्ट है। ठीक है, रीजनल ऑफिस और हेडक्वार्टर दोनों में। ठीक है, चलिए तो ये कुछ पूरे डिटेल था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये पूरी डिटेल लिखी है कि क्या क्या इन्होंने बोला गया है ना, कहाँ कहाँ पर इसका रीजनल ऑफिस वगैरह हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, तो इसका पूरा डिटेल दे रखिए आपको कहाँ कहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम लिखा हुआ है, जो कि हेडक्वार्टर और आरओ में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, और यहाँ पर जो जेएनबी में पोस्ट निकली हुई है उसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, हेडक्वार्टर आरओ में आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ऑडिट असिस्टेंट है, जेटीओ है, लीगल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जेएसए और मल्टीटास्किंग है। अगर हम बात करें जेएनबी की, तो वहाँ पर है फीमेल नर्स स्टाफ है, कैटरिंग सुपरवाइजर है, जूनियर सेक्रेटरी यानी कि जेएसए की पोस्ट है आपकी, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर की और लैब अटेंडेंट एंड मैस हेल्पर की पोस्ट है। ठीक है, हेडक्वार्टर और आरओ का मतलब होता है कि जितने भी, देखिए हेडक्वार्टर केवल एक है जो कि आपका दिल्ली में है। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली में, और जो कि आरओ होता है रीजनल ऑफिस, है ना, तो रीजनल ऑफिस यहाँ पर देखा है 8 रीजनल ऑफिस आपके, जैसे कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, पटना, पुणे एंड शिलोंग। मेरा जो हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस है वो था शिलोंग। ठीक है, और इसके अंतर्गत जेएनबी आते हैं। ठीक है, तो 650 से ज्यादा जेएनबी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ पर आपको पोस्टेड मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पोजीशन दिख जाएगी, किस तरीके से यहाँ पर चीजें चल रही है। ठीक है, चलिए डिटेल ऑफ पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट का नाम दे रखा है, पोस्ट कोड दे रखा है, और उसमें कितनी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पर देखा है। यहाँ पर बोला है कि वैकेंसी आज टेंटेटिव एंड मे इंक्रीज और डिक्रीज, इन्हें बढ़ाया और घटाया जा सकता है भविष्य में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल नर्स स्टाफ है। एक चीज़ और बता दूँ आपको दोस्तों इसी वीडियो के दौरान, कि देखिए मैं जब 2019 में जब मैं सेलेक्ट हुआ, उसके बाद इसकी जो वैकेंसी निकलती है वो 2022 में निकलती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा आपको एनबीएस का ये प्लेलिस्ट दिख जाएगा, ये वाला देखिए कितनी वीडियो है इसमें देख सकते हैं आप। ठीक है, एक सेकंड होगी, मैं आपको दिखा दूँ दोबारा से। देखिए यहाँ पर आपको वैकेंसी पोस्ट दिख रही होगी, कितनी 174 वीडियो डाल रखी है मैंने। ठीक है, एनबीएस रिलेटेड इसमें बहुत सारी मैंने वीडियोस बना के रखी हैं, जिसमें आपको बताया गया कि किस किस तरीके से चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। यहाँ पर देखिए कितनी सारी पोस्ट है, रिजल्ट किस तरीके से आता है, ये सारा आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना। जैसे फाइनल रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग कैसे होती है, टाइपिंग कैसे होती है ना, टाइपिंग का रिजल्ट कैसे आएगा, ज्वाइनिंग लेटर कब मिला, ये सारी देखिए पूरा टाइपिंग टेस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट का फॉन्ट वगैरह। इसके अलावा जो इसके एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए मैंने आपको प्रिपरेशन भी कराई थी इसके रिगार्डिंग। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ ना, आंसर कीस वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर, है ना, ये भी आप देख सकते हैं जाके। ये नवोदय की शेयर कराई थी मैंने आपको, है ना। इसके अलावा पेपर का एनालिसिस देखिए, लाइव एनालिसिस करके मैंने डाला था कि किस किस तरीके के पेपर आते हैं, तो ये मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो मेरा चैनल है द एग्जाम पर। आप प्लेलिस्ट में जाके एनबीएस की प्लेलिस्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर देख लेना, 175 वीडियो के टॉप जीके के क्वेश्चन वगैरह हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन वगैरह है ना, बहुत सारा मैंने आपको कंटेंट यहाँ पर डाला था, एक ही क्वेश्चन, ठीक है, एक ही वीडियो में 300 क्वेश्चन आपको करा करके। इसी तरीके से मैं आपको आगे भी ऐसी ही तैयारी कराने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ मिलेगी। मेरा जो सेकंड चैनल है ना, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम है द एग्जाम पर जीके। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इसे ज्वाइन
कर लीजिएगा। ओके चलिए, तो हम वापस आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पर। तो फीमेल नर्स स्टाफ की बात करें, ग्रुप बी की जो पोस्ट है, यहाँ पर यूआर की वैकेंसी है 85, ईडब्ल्यूएस की 12 है, ओबीसी की 12 है, एससी की 10 है, एसटी की 2 है, और टोटल 121 वैकेंसी है। बाकी अदर कैटेगरी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से एएसओ की बात करें, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात, तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड है 2, यूआर की है 4 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0 है, ओबीसी की 1 है, एससी एसटी की 0, टोटल 5 पोस्ट है यहाँ पर। यहाँ पर यूआर की 1 और ओबीसी की 1 है, ठीक है। चलिए ऑडिट ऑडिट असिस्टेंट की यदि बात करते हैं, अभी इसको बताऊंगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ठीक है। तो 8 पोस्ट है यहाँ पर यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 2 है, और टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। जेडीयू की बात कर ले तो टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें से 1 ओबीसी की, 2 यूआर की और 1 एससी की पोस्ट देखी रखी गई है ना। लीगल असिस्टेंट में टोटल 1 पोस्ट है जो कि यूआर की पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पर टोटल 23 पोस्ट है, जिसमें 14 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 2 है, एससी की 4 और एसटी की 1 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। वहीं बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर की तो ग्रुप सी की पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट है जो कि यूआर की पोस्ट है केवल, ठीक है। कैटरिंग सुपरवाइजर्स की बात करें, ठीक है, आगे आने वाले जो वीडियो रहेंगे उसमें आपको सैलरी स्ट्रक्चर, किस पोस्ट का क्या वर्क रहता है, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चैनल से अभी जुड़ जाइएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन है, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। रेड कलर का वो ध्यान रखना, किस किस कलर का, रेड कलर का, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर देना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, देखिए टेलीग्राम में आपको दिखाता हूँ कौन सा टेलीग्राम है मेरा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये है, ठीक है। डायग्राम पर यहाँ पर ये दिख रहा है आपको डायग्राम पर, इस पर देखिए नोटिफिकेशन वगैरह मैंने ऑलरेडी पहले ही डाल दिया था, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके चलिए, इसके बाद बात करें तो जूनियर सेक्रेटरी जो कि जेएसए है, जो कि मोस्ट फेमस पोस्ट है, ठीक है, जो कि सबसे फेमस पोस्ट है, जिसमें आपका देखिए ग्रुप सी है, ये हेडक्वार्टर सी या आरओ कैडर के लिए पोस्ट है, जिसमें टोटल नंबर पोस्ट है वो है 21, ठीक है। जहाँ पर यूआर की है 13, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 2, एससी की 3 और एसटी की 1 पोस्ट है। ये आपकी कौन सी है, हेडक्वार्टर या आरओ कैडर में। वहीं हम बात कर ले कि जेएनबी में जो जेएसए की पोस्ट है वो कितनी है, तो टोटल 360 पोस्टों की जाना है, ठीक है। हालांकि ये लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कम पोस्ट हमें देखने को मिली है, बट जितनी है ठीक है, इसमें बढ़ने की भी संभावना जारी है, ठीक है। तो यूआर की 145 है, ईडब्ल्यूएस की 36 है, ओबीसी की 86 है और एससी की 67 और एससी की 26 पोस्ट हमें देखने को मिल जाती है, कि अदर कैटेगरीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर हो जाएगा, जो कि 128 टोटल पोस्ट है, जिसमें 75 यूआर की, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 15, एससी की 13 और एसटी की 3 पोस्ट आपको देखने को मिलती है, अदर कैटेगरी की आप यहाँ पर देख सकते हैं। लैब अटेंडेंट की बात करें, काफी अच्छी पोस्ट है अपने आप में, 161 यहाँ पर वैकेंसी है टोटल, 76 है आपकी यूआर में, ईडब्ल्यूएस की 16 है, ओबीसी की 31 है, एससी की 28 और एसटी की 10 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। मेस हेल्पर की यदि बात करें तो 442 टोटल पोस्ट है, ठीक है भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, मेस हेल्पर का पता कट ऑफ कितना गया था 2022 में, एक एक मैंने देखा था, मेरे पास आया था लेटर, हमारे जेएनबी में आया था, ठीक है। तो उसका पता है कट ऑफ कितना गया भाई, 5 नंबर कट ऑफ, 100 नंबर कुछ भी पड़ता, 5 नंबर कट ऑफ भाई, 5 नंबर में सिलेक्शन हो गया, बताओ 5 नंबर लाने पर सिलेक्शन, क्योंकि इस पोस्ट के लिए बंदे अप्लाई नहीं कर पाते, इसमें शायद कुछ मांगा जाता है एक्सपीरियंस वगैरह, तो इसलिए। तो अगर आपके पास ये पोस्ट ना, बहुत शानदार, बहुत कम नंबर होता है भाई, बहुत कम नंबर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट इसी में देखिए 442 पोस्ट है, यूआर की 216 है, ईडब्ल्यूएस की 44 है, ओबीसी की 43 है, एससी की 106 है, एसटी की 33 पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एमटीएस की वहीं बात कर ले तो ग्रुप सी की ये पोस्ट है, इसमें टोटल 19 पोस्ट है, कम पोस्ट है ना, यूआर की 11 है, ईडब्ल्यूएस की 2, ओबीसी की 4, एससी की 2, एसटी की 0 पोस्ट यहाँ पर देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है। चलिए नीचे हम और डिटेल में देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर मांगा गया। ओके चलिए, ये आपका कुछ नहीं है ना, इसको छोड़ देते हैं अपन, ये जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको यहाँ पर बताते चला। अब देखिए यहाँ पर है डिटेल रिगार्डिंग एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरी ऑफ पोस्ट, पे स्किल्स क्या है, उसकी एज लिमिट क्या रखी है, रिलैक्सेशन ऑफ एज क्या है, मोड ऑफ सिलेक्शन एंड अदर रिलेटेड डिटेल पूरा यहाँ पर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, अगर आप फीमेल नर्स स्टाफ का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका जो इसमें पे स्केल रहेगा वो आपका लेवल 7 की ये पोस्ट है, जिसमें बेसिक पे आपका 44,900 से लेकर 1,42,400 तक रहने वाला है, ठीक है। अपर एज लिमिट जो है 35 रखी गई है, ठीक है, 18 से स्टार्ट हुई मिनिमम, ठीक है, 18 से 35 तक, ठीक है। चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या ये नहीं है तो इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड है जो रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स मिडवाइफ आरएन और आरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, ये होनी चाहिए। 2.5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग 1 एबव, ठीक है। ओके तो ये आपके पास होना चाहिए, ये डिजायरेबल ये होगा, ये जो डिजायरेबल वाली जो चीज मांगते हैं ये लोग, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए दूसरी हमारी पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, यानी कि एएसओ की पोस्ट है, अपने आप में काफी अच्छी पोस्ट है मानी जाती है। स्किल की यदि बात कर ले तो लेवल 6 की दोस्तों जॉब होने वाली है, जिसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 तक बेसिक पे रहेगा आपका। एज लिमिट की बात करें तो 23 से 33 के बीच में आपकी एज लिमिट मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास अगर है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा एसेंशियल मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, इन किसमें किसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव में या कॉमा फाइनेंशियल मैटर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मेन है इसमें, ठीक है, ये वाला मेन है, 3 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन चीजों में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का।
ऑडिट असिस्टेंट की यदि हम बात करते हैं तो पे स्केल की यदि बात करें, लेवल सिक्स की जॉब है भाई, बेसिक पे रहेगा 35,400 से 1,12,400 तक, एज लिमिट 18 से 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन आपकी बीकॉम होना चाहिए फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। बीकॉम वाले छात्र जो है ऑडिट असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। डिजायरेबल में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अब ये जो डिजायरेबल होता है ना, ये आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी आपको एक्सेप्ट कर लिया। बट यहाँ पर ये असेंशियल में डाल दिया कि चाहिए ही चाहिए, यहाँ पर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसा चलेगा, ठीक है। आप आई होप आप समझ गए होंगे। ओके चलिए, अगला है जेटीओ की पोस्ट, जहाँ पर लेवल सिक्स की जॉब है, फिर से अगेन मैक्सिमम ईयर 32 ईयर्स है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको देखिए मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज अ कंपलसरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री आपके पास रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी एज अ कंपलसरी, ठीक है। आप ये पढ़ लेना, तो काफी डिटेल में वीडियो, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो शुरू कर देता हूँ, अगर आपके पास ये है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लीगल असिस्टेंट एक ही पोस्ट आपको मालूम है, लेवल सिक्स की पोस्ट है, एज मांगी गई है 23 से 35। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री होना चाहिए लॉ फ्रॉम डिग्री इन लॉ की, लॉ की डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी ये डिजायरेबल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। स्टेनोग्राफर की बात करें, काफी अच्छी पोस्ट है, तो ये लेवल फोर की पोस्ट होती है, जिसमें की एज मांगी जाती है 18 से 27 साल, बेसिक पे आपका 25,500 से स्टार्ट हुआ और 81,100 तक जाके रुकने वाला है, ठीक है। चलिए, ये बेसिक पे होता है, ध्यान रखना सैलरी इससे कहीं ज्यादा मिलने वाली है, यानी कि जो आपको ये सैलरी मिलेगी लगभग 40K के आसपास, ये मिनिमम होती है, 40K मिनिमम मिलेगी, ये 40 से 50K के बीच आना मिलेगी, क्योंकि ये एक्स वाई जेड जेड सिटी पर वैरी करता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास अगर आपने कर रखी है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्किल टेस्ट होगा जिसमें आपको डिक्टेशन देना पड़ेगी 10 10 में, है ना, 10 मिनट्स पर सेकंड में, 80 वर्ड पर मिनट, ठीक है, 10 10 मिनट्स में। ट्रांसक्रिप्शन होगा 50 मिनट्स का, है ना, अभी मिनट्स का है, मिनट्स लिखे क्या लिखा है ये मेरे को एक्चुअली में आ नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर 65 MTS हिंदी और ऑन कंप्यूटर, ठीक है, ये थोड़ा MTS का मेरे को आ नहीं रहा, क्या लिखा हुआ है आप बताइए कमेंट में। कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है, जो कि पोस्ट कोड 7 है, पे स्केल है लेवल 4 का, यहाँ पर 25,500 से लेकर 81,100 इन द पी मैट्रिक्स है, ठीक है, और बिटवीन 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बी सी ए या फिर BSc कंप्यूटर साइंस या IT से होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर BE या BTech कंप्यूटर साइंस या IT से होना चाहिए, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है कैटरिंग सुपरवाइजर, यहाँ पर भी लेवल 4 की जॉब है, ठीक है, 35 मैक्सिमम एज है, वही बेसिक पे रहेगा। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसकी, होटल मैनेजमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट की तरह, या फिर ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होनी चाहिए कैटरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, तो ये आपके पास है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगली पोस्ट है JSA की, जो की है भाई फेवरेट पोस्ट, JSA की आ चुकी है, इसका फॉर्म आपको जरूर भरना है। यहाँ पर हेडक्वार्टर आरओ कैडर में ये पोस्ट निकली हुई है, यहाँ पर लेवल 2 की ये पोस्ट है, 19,900 बेसिक पे रहेगा, 63,200 तक ये जाने वाला है, 18 से 27 साल का कोई भी व्यक्ति इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है, बेसिक पे है। मैं फिर बता रहा हूँ, जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो इससे कहीं डिफरेंट होती है, मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप दिखा के बता दूंगा, तो उसके लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, ठीक है, ओके। चलिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें दोस्तों, ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 12th अगर आपने कर रखी है किसी भी बोर्ड से, एंड पजेसिंग मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइप राइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है, या तो आपके आपको हिंदी में कितनी होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, या इंग्लिश में आपकी कितनी 30 वर्ड पर मिनट। इसकी टाइपिंग बेहद सिंपल होती है, पूरा रूल्स रेगुलेशन भी मालूम है, पूरा आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इसके रूल्स रेगुलेशन रहते हैं, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। या फिर आपने पास कर रखी हो लेवल 2 ऑफ सीनियर सेकेंडरी CBSE से, या स्टेट बोर्ड विद सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस एंड ऑफिस मैनेजमेंट एज वोकेशनल सब्जेक्ट, ठीक है, तो सिंपल समझिए क्लास 12th वाला बच्चा इसका फॉर्म भर सकता है, ओके। चलिए, ये आपकी डिजायरेबल है, अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद JSA है, जो कि JNV कैडर में है, यहाँ पर भी वो सेम रहेगा, ठीक है, 18 27 लेवल 2 की जॉब है, बाकी सेम है, यहाँ पर सब चीज़ें, बस पोस्ट कहाँ पर आपको करनी है, काम कहाँ पर करना है वो मैटर करेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, इलेक्ट्रिशियंस कम प्लम्बर लेवल 2 की जॉब है, 18 से 40 साल यहाँ पर एज मांगी गई है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें, 10th पास आपके पास होना चाहिए, दूसरा ITI आपके पास होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट ट्रेड ऑफ किसका, इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन का, और एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इंस्टॉलेशन या वायरिंग या प्लम्बिंग में, ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए, ओके। चलिए, लैब अटेंडेंट की बात कर ले, लेवल 1 की ये पोस्ट है, 18 से 30 साल यहाँ पर एज मांगी है, बेसिक पे 18,000 से स्टार्ट होगा, 56,900 तक जाने वाला है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th पास आपके पास होना चाहिए और या डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, ठीक है, तो ये आपके पास है तो आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, और या क्या होना चाहिए 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है, तो आप लैब अटेंडेंट का फॉर्म भर सकते हैं। मैथ्स हेल्पर की बात कर ले, ठीक है, लेवल 1 की जो है 18 से 30 साल का कोई भी व्यक्ति भर सकता है। क्वालिफिकेशन में केवल मैट्रिकुलेशन 10th पास चाहिए, वहीं मैंने बोला था कि एक चीज में एक्सपीरियंस मांगा जाता है, 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, वर्किंग ऑफ इन अ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या मैश या स्कूल्स मैश, ठीक है, एंड पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय एनवी, ठीक है, स्किल टेस्ट आपको करना होगा क्योंकि एनवी इसके द्वारा लिया जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको करना है। लास्ट पोस्ट हमारी MTS की पोस्ट है,
यहाँ पर आपको देखिए लेवल वन की पोस्ट 18 से 30 साल आएंगे और कुछ नहीं, इसके लिए केवल 10th पास आपके पास हो तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैंने सारी जितनी भी पोस्ट थी उनकी कितनी वैकेंसी है, क्या उसमें एजुकेशन मांगी गई है, कितनी एज लिमिट रखी गई है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया, कितनी सैलरी रहती है सब कुछ। ठीक है, चलिए अब एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलेगा, तो वही एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ पर मिलने वाला है, बाकी अदर सब अपना देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है, द कट ऑफ वगैरह ये बाद में देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए यहाँ पर और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका फॉर्म वगैरह कब निकलने वाला है और इसमें ये और भी चीजें जो होंगी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होगा आपको, तो देखिए कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड इंटरव्यू पुट टुगेदर फॉर द पोस्ट ऑफ लीगल असिस्टेंट, द डिसीजन ऑफ द एनवीएस अबाउट द मोड ऑफ सिलेक्शन पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है ना, और ये केवल लीगल असिस्टेंट वाली पोस्ट की। हाउएवर इन द केस ऑफ फीमेल स्टाफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफिस ऑडिट असिस्टेंट जून जेटीओ कंप्यूटर ऑपरेटर कैटरिंग सुपरवाइजर लेबर अटेंडेंट मल्टीटास्किंग इन दी सिलेक्शन ऑफ द पोस्ट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉम्पिटेटिव एग्जाम ओनली। यानी इसके लिए केवल एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, वो बस उसे पास करना है। यहाँ पर एग्जाम ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और प्लस इंटरव्यू होगा, यहाँ पर केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। वहीं पर हम बात करें स्टैनो की, जेएससी की, ठीक है, इसके बाद ईसीपी की या मैस हेल्पर की, तो इसमें क्या हुआ, कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो होगा, उसके बाद आपको ट्रेड कॉल के लिए बुलाया जाएगा, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसे भी आपको पास यहाँ पर करना होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है द कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर द रिक्रूटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट इज लाइकली टू बी हेल्ड फॉलोइंग सिटी। इन इन सिटी में आपके एग्जाम सेंटर्स हैं, तो जिस सिटी में आप भरना चाहें उस सिटी में आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर दे रखा है। अगर आप फीमेल और नर्स स्टाफ के लिए भरना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा। ठीक है, चलिए मैं जेएससी का बताऊंगा, आप बाकी पोस्ट के लिए मैं यहाँ पर वीडियो को थोड़ा स्लो करूंगा, जिससे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। ठीक है, चलिए मैं आगे आने वाले वीडियोज में क्या करूंगा दोस्तों, जितनी पोस्ट है आपकी 13 तरीके की पोस्ट है, तो एक एक पोस्ट पर पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा उस पोस्ट के लिए, कि पर्टिकुलर उस पोस्ट के लिए से अगर आप उस केवल उस पोस्ट के बारे में भरना चाहते हैं तो उस पोस्ट के बारे में केवल आपको उस वीडियो में डिटेल मिल जाएगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलिए। ठीक है, ये आपका किसके लिए था, नर्स के लिए था, ये भी आपका नीचे वाले सब्जेक्ट भी। ठीक है, चलिए अगर हम एएसओ का भरना चाहते हैं तो देखिए पार्ट वन रहेगा आपका रीजनिंग एबिलिटी, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद पार्ट टू रहेगा आपका मैथ्स आएगा जिसमें 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, इसके बाद पार्ट थ्री रहेगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी आएगी, दोनों से 15 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स रहेंगे। कंप्यूटर रहेगा आपका 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, और उसमें जनरल नॉलेज भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो पार्ट फोर रहेगा जिसमें आपको जो है ऑफिस मैनुअल एंड प्रोसीजर सीसीएस है ना, ये सब रूल्स वगैरह रेगुलेशन जो होते हैं वो आएंगे 50 मार्क्स से 50 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पर। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स रहेंगे वो भी 120 रहने वाले हैं। यहाँ पर टाइम आपको 2.5 घंटे का दिया जाने वाला है। ठीक है, चलिए चलिए अगला है, देखिए ऑडिट असिस्टेंट के लिए क्या सिलेबस है, तो ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन अगर आपको इसको पढ़ना है, मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया, अभी बताया था आपको किस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको जेएससी पर ले सकता हूँ है ना, जेडीओ का आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर लीगल असिस्टेंट का पढ़ना है तो आप इसका ले लीजिए। ठीक है, ये इंटरव्यू है, इसके बाद ये आपका स्टेनोग्राफर का आप यहाँ से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आने वाली वीडियो पर्टिकुलरली बता दूंगा। यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, ये कैटरिंग सुपरवाइजर हो गया। चलिए अब बात कर लेते हैं जेएससी की, मेन होगा जेएससी, जहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि पहला आपका प्री एग्जाम होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें पार्ट वन रहेगा यानी कि आपका रहेगा रीजनिंग जिसे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आएंगे, दूसरा रहेगा मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, इसके बाद लैंग्वेज टेस्ट रहेगा इंग्लिश और हिंदी, दोनों से 15 15 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स आएंगे। इसके बाद कंप्यूटर रहेगा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का। ठीक है, तो कंप्यूटर की हिंदी की और जीए की तैयारी मैं आपको कराने वाला हूँ, मेरे आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर कराई तो डायरेक्ट आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीखने को मिले। मैं आपको प्रीवी से पेपर भी करा दूंगा। ठीक है, कल ही मैं आपको प्रीवी से पेपर लेगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ढेर सारी वीडियो आने वाली है तो चैनल पर जुड़ेगा, टोटल 130 क्वेश्चन रहेंगे 130 मार्क्स के, टोटल आपको 2.5 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाने वाला है। ओके, चलिए इसके बाद वही ये सेम सिलेबस है ना, बस ये कि ये पोस्ट जीएमबी के लिए वो हेडक्वार्टर के लिए। ओके, ठीक है, टाइप राइटिंग होगी इसके बाद आपकी, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर पर आपकी होने वाली है। ठीक है, चलिए ईसीपी का अगर फॉर्म बनना चाहते हैं तो ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप लेबर टेंडर का बनना चाहते हैं तो ये सिलेबस है। ठीक है, अगर आप मैस हेल्पर का बनना चाहते हैं तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है। ओके, ये मैं एमटीएस का बनने वाले हैं तो ये सिलेबस आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ठीक है, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल विल ऑल्सो भी नोटिफाइड ऑन एनबीएस। ठीक है, तो यानी कि अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया है कि इसका जो फॉर्म कब से निकलेंगे, एग्जाम कब होगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, हाउ टू अप्लाई किया यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक इन्होंने डेट जारी नहीं की है कि किस डेट में ये फॉर्म निकालने वाले हैं ना, अभी इन्होंने केवल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, इन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि आपका जो फॉर्म है कब से निकलेगा, कब से की भर्ती होगी। बट यहाँ तक एक आइडिया है, देखिए कल से आचार संहिता लगने वाली है। ठीक है, कल से आशा चर्चा लगेगी, तो जहाँ तक ये वैकेंसी नहीं निकलने वाली, ये वैकेंसी आपकी जब आपका चुनाव हो जाएगा तो अप्रैल मई के मई में ही निकलेगी। ठीक है, मई या ये जून आएगा उसमें ये जाने वाली हो सकता है कि भाई अगर ये चाहे तो निकाल भी सकते हैं है ना। इन्होंने नोटिफिकेशन तो डाल दिया बट डेट इन्होंने कहीं ना कहीं नहीं डाली है। निगेटिव मार्किंग आपकी पूरे मार्क पूरे एग्जाम रहेगी 1/4 मार्क्स। ठीक है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलने वाली है। ओके, तो
तो ये कुछ पूरी डिटेल मैंने लगभग आपको दे दी है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि फॉर्म वगैरह के बारे में उन्होंने क्या बोला था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था इसके बारे में, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ये लिखा है, ठीक है, डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन शेड्यूल विल ऑल्सो बी नोटिफाइड ऑन दिस वेबसाइट, एडमिट कार्ड ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंटरव्यू पर्सनल इंटरेक्शन डॉक्यूमेंट विल बी सेंट ऑन द स्टडी मेल। ठीक है, ये सब आपको बाद में कर जाएगा ना, अभी इन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि बाद में आपको पूरा शेड्यूल इनके द्वारा दिया जाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको लगभग पूरी ही जानकारी यहाँ पर दे दी है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी जो डेट है वो आ जाएगी कि कब से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन हालांकि आ गया, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी दिखा देता हूँ। देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ पर देखिए ये न्यूज़ प्रेस हो रही, नोटिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ट्रायल 2024 फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ हेडक्वार्टर आरओ एंड जेएनबी कैडर इन एनपीएस। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी ही ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है, नोटिस केवल जारी की गई है, कहीं भी डेट का इसमें मेंशन नहीं है कि कब इसके एग्जाम होंगे, कब क्या होगा, बट यहाँ पर नोटिफिकेशन आउट है तो जल्द ही आपको इसका देखने को मिल जाएगा। बट मैं कहूँगा कि आप अभी से अगर तैयारी करते हो, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देता है, बहुत ही फास्ट रिक्रूटमेंट आपकी होती है। लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था 2022 में, बहुत ज़्यादा फास्ट रिक्रूटमेंट उन्होंने दी थी, तो ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, कल से ही लग जाइएगा तैयारी में, पूरा आपको सिनेरियो बता दूँगा किस तरीके से तैयारी करना है। मैं तैयारी कराऊंगा तो उसके लिए मैंने बता दी क्या करना है आपको, मेरा जो सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जीके, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, द एग्जाम हेल्पर लास्ट में जीके जोड़ देना, उसको ऐड कर लेना, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लिंक वर्क ना करे तो चैनल पर जाकर सर्च मार के उसको ज्वाइन जरूर कर लिएगा, और एनबीएस की प्लेलिस्ट जो मेरी बनी हुई है 174 वीडियोस की, उसे जरूर एक बार विजिट करिएगा। चलिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।